Everyone, today in class 4 to 6 English grammar, we are going to study adverbs. Adverbs are called kriya visheshan. ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है and they are called adverbs in English. Let's start. A word or phrase that modifies or qualifies an adjective, verb or other word verb or a word group expressing a relation of place, time, circumstance, manner, cause, degree, etc. ऐसे शब्द जो किसी भी verb की विशेषता में उसका place, time, circumstance, manner, cause और degree को बताए that call words are called adverbs. Like loudly, quickly, fastly, etc. If I want to say it in simple words, अगर मैं इसको simple words में कहूँ तो an adverb is a word which modifies the meaning of a verb. ये किसी भी verb, adjective और दूसरे adverb का जो meaning है उसको modify करता है, उसको थोड़ा सा change कर देता है. लाइक जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं. जैसे वह धीरे धीरे चलता है. इस वाक्य में चलता क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता बता रहा है, अतः धीरे धीरे क्रिया विशेषण है. ओके, चलिए लेट्स सॉल्व अ स्मॉल एक्सरसाइज सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू दैट व्हाट इज़ अ वर्ब एंड अदर इज़ अ एडवर्ब. यू कैन ऑल्सो सी वीडियोज ऑल ऑफ वर्ब ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द यूट्यूब चैनल. अंडरलाइन द एडवर्ब्स एंड सर्कल द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज. इन सेंटेंसेज में आपको वर्ब्स को सर्कल करना है और एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है. फर्स्ट, the students quietly sat in the computer lab. So here sat is a verb and quietly yani chupchap jo baithne ki visheshta bata raha hai ke wo chupchap baithe is adverb here. Next, Monica ran swiftly down the hill. Monica ran yani bhag rahi hai verb. Swiftly is टेलिंग के वो कैसे भाग रही हैं, सो इट इज़ अ एडवर्ब. नेक्स्ट, द चाइल्ड लुक्ड अराउंड फॉर हर लॉस्ट टॉय. बच्चा अपना गुमा हुआ खोया हुआ टॉय ढूंढ रहा है. लुक्ड यानी देखना वर्ब. टॉय की क्या खासियत है कि वो लॉस्ट है यानी गुमा हुआ है, गुम हुआ हुआ है.